गूगल पे टाइप कर देना है इस BW बर्लिन स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। इनको सर्च करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस पहले एड्रेस को फॉलो कर देना है। इनको फॉलो कर देने के बाद आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसे ही आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आप लोगों ने नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये चार स्टेप में अप्लाई होती है। पहले आपने गाइडलाइन रीड आउट करनी है, उसके बाद आपने रिकमेंडेशन या मोटिवेशन स्टेटमेंट आप लोगों ने ईमेल कर देनी है। उसके बाद आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उस पर आपने क्या करना है अप्लाई कर देना है। अच्छा, गाइडलाइन को रीड आउट करने से पहले हमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स हमने चेकआउट करनी है। तो रिक्वायरमेंट फॉर द SBU बर्लिन स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, इस पर हमने क्लिक कर देना है। इन पर क्लिक कर देने के बाद ये देखिए इनकी रिक्वायरमेंट आ गई, जैसे कि आपकी एज 18 से 20 साल होनी चाहिए, आपके पास रिकमेंडेशन ऑफ लेटर होनी चाहिए जो किसी सोशल इंस्टीट्यूशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से आप लोग लेंगे, उसके साथ साथ आपके एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफिकेशन और आपके पास डिग्री और उसके साथ ट्रांसक्रिप्ट आप लोगों को चाहिए होगा। और इसी तरह ये देखिए सारी रिक्वायरमेंट को आप चेकआउट करेंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अप्लाई किसी करनी है, ठीक है। तो ये लिंक जो आप देख रहे हो, इन लोगों ने खुद ही इनका खुद ही यूट्यूब चैनल है, उन पर यानी इस लिंक पर आप जो क्लिक करेंगे आप लोग इनकी YouTube पर चले जाएंगे, उस पर वीडियो मौजूद है कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करनी है। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इन लोगों ने सब कुछ A to Z एक्सप्लेन किया है। तो अप्लाई करने के लिए ये वीडियो जरूर देखिएगा। अच्छा, अब हम गाइडलाइन की तरफ जाते हैं, ठीक है। जैसा ही गाइडलाइन पर मैं क्लिक कर देता हूं तो हमारे सामने एक ऐसा PDF शो हो जाएगा। अब ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कॉलरशिप आपने यानी ये सारी इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने रीड आउट करने हैं। मैं मोटा मोटा आप लोगों को समझा देता हूं, ठीक है। आपने क्या करना है, वो वीडियो देखनी है और ये PDF जो है इनको रीड आउट करना है। जैसा कि हु कैन अप्लाई, नो सारी कंट्रीज इसमें जो है ना एलिजिबल है, यानी सारी कंट्रीज इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट मैंने पहले भी बताया, आपके पास 18 या 30 साल की एज होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए या नॉन प्रॉफिट सेक्टर से, ये जो आप किसी सोशल इंस्टीट्यूट से लेंगे। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और इसके साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, ये देखिए एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट सारे रीड आउट करनी है, और उसके साथ साथ डेडलाइन एंड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपने जो है ना एक ऑल्सो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेंगे जो आपको क्या देगी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कोई सोशल इंस्टीट्यूट देगी, ठीक है। आपने इस पर मेल कर देनी है, ठीक है, उस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को यहां पे इस पर आपने मेल कर देनी है। फिर आप लोगों को ये लिंक प्रोवाइड कर देंगे, लिंक जो प्रोवाइड करेगी आप लोगों ने उस लिंक पर क्लिक करना है, उन पर लॉगिन होना है और उन पर रिप्लाई कर देना है। अच्छा, अब हम नीचे आते हैं तो कौन कौन सी चीजें अप्लाई में रिक्वायर्ड है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को रिक्वायर्ड होगी जो आप कहां से लेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन से या SBU बर्लिन पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, ईमेल के थ्रू। अच्छा, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म की जरूरत होगी, ठीक है, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको लिंक के जरिए शेयर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, और इसके साथ आपको प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन आप लोगों को देनी होगी जो तकरीबन 2 से लेकर 5 पेजेस तक होगी। अच्छा, अगर हम नीचे आ जाए तो यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको नेट हाउस होल्ड इनकम होना चाहिए, यानी लो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। उसके साथ साथ आपको जो है ना ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए और डिग्री आपके पास होने चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आप लोग इस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को क्या चाहिए, 2 रिकमेंडेशन ऑफ लेटर चाहिए जो आप किसी प्रोफेसर से या स्कूल टीचर से या एम्प्लॉय एक्सेट्रा से लेंगे, ठीक है, और एविडेंस ऑफ द नेट हाउस इनकम, यानी आपने क्या करना है, लो इनकम सर्टिफिकेट बनानी है, ठीक है। तो ये चीजें इसमें रिक्वायर्ड है। अच्छा, और डॉक्यूमेंट्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए। इस अगर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो ये देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया की डिटेल भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह के बारे में। लेकिन मैं क्या करूंगा, सीधा स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स पर आता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्कॉलरशिप क्योंकि अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर वगैरह ईजी है, मैंने आपको बता भी दिया, और आप लोग वो यूट्यूब इनकी मेन पेज पर यूट्यूब के लिंक मौजूद है, यूट्यूब वीडियो की, वहां से आप लोग भी देख सकते हो। अच्छा, अगर स्कॉलरशिप कवरेज की बात करें तो आप लोग
रूम प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको स्टाइपेंड भी आपको मिलेगा तकरीबन 480 यूरोस है जो आपको पर मंथ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ट्यूशन फी आपको बिल्कुल फ्री होगी और इसके साथ साथ आपको फ्लाइट टिकट भी प्रोवाइड कर दिए जाएगी। तो आपने सारी डिटेल को रीड आउट करनी है। तो ये थी हमारी वीडियो जो जो कि बर्लिन स्कॉलरशिप के हवाले से थी। तो अब तक के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।